और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशन को यह धमकी यहां पर दी गई है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हापुड़ रेलवे स्टेशन को पत्र भेजा गया, स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। दिवाली के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर अब व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। आतंकियों का धमकी पत्र। रेलवे स्टेशनों पर विस्फोट की धमकी। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर समेत यूपी के 9 रेलवे स्टेशनों के साथ ही 46 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। खुफिया अलर्ट के बाद से रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ रेलवे स्टेशन मास्टर को डाक के जरिए भेजे गए इस पत्र में 26 नवंबर और 6 दिसंबर को प्रदेश के कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, टुंडला और हापुड़ के नाम शामिल हैं। इस धमकी भरे पत्र के मिलने के बाद लखनऊ के चारबाग स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड के जरिए भी चेकिंग अभियान चल रहा है। फेस्टिव सीजन है और ऐसे में जिस तरीके से धमकी भरा लेटर आया है तो उसको लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जितने भी मुख्य स्टेशन हैं, चाहे वो मॉल्स हो या फिर ऐसी भीड़ वाली जगह हो जहां पर क्योंकि फेस्टिव सीजन है तमाम लोग एकत्रित होते हैं, तो इस तरीके के धमकी भरा लेटर आने के बाद रेड अलर्ट पर है यूपी पुलिस। दीपावली को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ काफी बढ़ चुकी है। ऐसे त्योहारी सीजन को देखते हुए कई और जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुफिया अलर्ट के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर रात में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ जाने वाले रास्ते पर हैं और यहां का जो एंट्रेंस गेट है यहां पर लगेज स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ पर लोगों को चेक करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। आतंकियों ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी पहले भी दी है। इसी साल जुलाई में दुर्गा पूजा को टारगेट करने की साजिश रचने वाले अलकायदा के 2 आतंकियों को एटीएस और यूपी पुलिस ने लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया था। इनके ठिकानों से प्रेशर कुकर बम भी बरामद किए थे। इन्हें पाकिस्तान में बैठे कमांडरों से निर्देश मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। कम संसाधन में बड़े धमाके की क्षमता रखने वाले प्रेशर कुकर बमों से पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों को इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकी दहला चुके हैं। दरअसल यूपी में आतंकियों और अपराधियों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से साजिश रचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए अब ऐसी धमकियों का सहारा लिया जा रहा है जिसे हर हाल में नाकाम करने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।